इससे दुखद स्थिति एक बिहारी के रूप में और कुछ भी नहीं हो सकता है कि हमारे लोगों को जहां पीटा जा रहा हो वहां बिहार का उप मुख्यमंत्री जाके उस मुख्यमंत्री को सम्मानित करता है। तमिलनाडु में उत्तर बिहार के लोगों पर हो रहे हमले को लेकर गुरुवार 2 मार्च को बिहार विधानसभा में खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद मजबूरन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पूरे मामले पर सामने आकर ट्वीट करना पड़ा। लेकिन इस घटना में सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि तमिलनाडु में हो रही इतनी बड़ी घटना अब सच और झूठ के बीच आकर फंस गई है। वो कैसे, इसे समझने के लिए तमिलनाडु पुलिस के डीजीपी एम शैलेंद्र बाबू का पहले यह बयान सुनिए। Somebody in Bihar has posted a false and mischievous video saying that the migrant workers of Bihar are attacked in Tamil Nadu. Two videos are posted in that and both are false. तमिलनाडु पुलिस ने इस पूरे घटना को अफवाह बताया है, साथ ही आ रहे वीडियो को गलत बताते हुए इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगी है। वहीं इसमें उनका भरपूर साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दे रहे हैं। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए इस मामले को झूठा और भ्रमित बता दिया है। लेकिन इसका दूसरा एंगल देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है। मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कुछ समझ आया आपको? एक ही मामले पर बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के अलग अलग बयान। आइए इसके पीछे की वजह बताते हैं आपको। दरअसल 1 मार्च को ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव चेन्नई पहुंचे थे, जिसके बाद बिहार बीजेपी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस पूरे मामले को उठाते हुए क्या कहा, ये सुनिए। इससे दुखद स्थिति एक बिहारी के रूप में और कुछ भी नहीं हो सकता है कि हमारे लोगों को जहां पीटा जा रहा हो वहां बिहार का उप मुख्यमंत्री जाके उस मुख्यमंत्री को सम्मानित करता है। तेजस्वी यादव ने जाकर तमिलनाडु में बिहारियों की हत्याओं पर शोक और क्षोभ व्यक्त करने के बदले मुस्कुराते हुए एक मेडल दे रहे हैं कि नहीं, आपके राज्य में जो बिहारियों की हत्या हो रही है यह बहुत अच्छी बात है। इससे एक बिहारी के रूप में हम सभी का सर शर्म से झुक जाता है। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए और जो काम उन्होंने किया है उसके लिए बिहार कभी उनको माफ नहीं करेगा। इस मामले में पीड़ित जमुई के धथौर गांव की नेहा कहती है कि जब उसके पति पवन पर हमला हुआ तब वह उससे फोन पर बात कर रहा था, अचानक ही वह चीखते हुए बोला बचा लो और फोन कट गया, अब सब खत्म। वहीं इस हमले के बाद तमिलनाडु से काफी तादाद में मजदूर बिहार लौट आए हैं। उनका कहना है कि तमिलनाडु के मजदूरों ने रोज 800 की बजाय 1200 रुपए मजदूरी लेने को कहा था, हम लोग नहीं माने, जिसके बाद हमला हो गया। अब आप कमेंट करके हमें बताएं कि इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, इसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा।